तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका, तो दो चैप्टर पढ़ना बचा हम लोगों को, जीरो डायमेंशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, बट उससे पहले थोड़ा बहुत आपको जीरो डायमेंशन का एक बेसिक लॉजिक दे देते हैं। लाइक किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, लाइक मैंने बोला कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब ये होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट कर पाते हैं, इसको फिजिकल क्वांटिटी। वन विच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, ठीक है, स्पीड हुआ, इन सबको मेजरमेंट करने के लिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए यहाँ पे। लाइक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका, एक लेंथ को ट्रेवल करना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या, आंसर किस में लेकर आते हो, मीटर में या किलोमीटर में। जब भी आंसर आपका मीटर या किलोमीटर में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि लेंथ को ट्रेवल किया, मतलब उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। इस बात को ध्यान रखना है। लाइक मैंने बोला डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया, तो हम क्या बोलेंगे किसी को कि तुम 3 डिस्टेंस कवर किए कि 3 मीटर ट्रेवल किए, यही बोलेगा, 3 किलोमीटर, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको आज के बाद से मीटर या किलोमीटर मिलेगा तो उसको कैसे डिफाइन करें, उसको हम लोग लेंथ में डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपका वेट कितना है, अब क्या बोलोगे, वेट नहीं सॉरी मास कितना है, तो बोलोगे 50 kg मास है मेरा, यही बोलोगे ना। तो मास को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यहाँ डिफाइन किया kg, इसको डायमेंशन में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा, जो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिक्स में खासकर, उसका मेजरमेंट करने का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है, इसको देख लेते एक बार। तो मैंने बोला मास हो गया, लेंथ हो गया, फिर टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, मोल हो गया और कैंडेला। सबका मतलब समझा दे क्या होता है, ये पूरे फिजिक्स में, अभी से लेके जितना फिजिक्स पढ़ोगे ना, हर एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यही 7 बेसिकली मेजरमेंट हमारा होता है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तुम कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला उठा कर देखो, चेक करो, तो यही 7 के अलावा कुछ और उसके अंदर इन्वॉल्व होगा ही नहीं उसके अंदर, क्लियर। तो मैंने बोला कि मास का मतलब केजी या ग्राम कट्टा में जो भी क्वांटिटी आएगा उसको आज के बाद से हम लोग मास में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। लेंथ का मतलब डिस्टेंस हुआ, एक पाथ लेंथ हुआ, पाथ लेंथ लिखो बेटर रहेगा, पाथ लेंथ को कवर करने में जो भी डायमेंशन यूनिट का यूज करेंगे उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। टाइम मतलब सेकेंड आवर्स को रिप्रेजेंट करने का टी यूज करेंगे। टेम्परेचर का मतलब आपका लाइक डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट जब हुआ उसके लिए थीटा यूज करेंगे। करंट का हुआ लाइक 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे कैपिटल यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो हम मोल यूज करेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी प्रकाश जो आपका लाइट होता है ना, लाइट का इंटेंसिटी कितना है, उसको यूज के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैंडेला यूज करते हैं, क्लियर। ये 7 बेसिकली आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का सारा फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा, क्लियर ना। आप कोई फॉर्मूला उठा कर देखो, मैंने, अच्छा अब इसको समझने के लिए बस आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला डिस्टेंस की बात की, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, मतलब डिस्टेंस को किससे मेजरमेंट करोगे। अगर किसी को आंसर करना है कि सर हम घर से इंस्टीट्यूट चलकर आए कितना चले हैं, क्या बोलोगे, 3 मीटर या 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये बोलोगे ना। जब भी मेजरमेंट किलोमीटर या मीटर में हो जाए तो क्या बोलना है, वहां पे लेंथ को हमने ट्रेवल किया, पाथ को ट्रेवल किया। अब मैंने बोला कितना टाइम आपको लगा, तो आप बोलोगे सर वन आवर लगा, 10 मिनट लगा। तो मिनट सेकेंड आवर जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डायमेंशन में, कैपिटल टी। तो चीजें सेम है, बस यूनिट में मीटर किलोमीटर बोल रहे हैं और डायमेंशन उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट में केजी ग्राम बोल रहे हैं और डायमेंशनली उसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला सेम रखना है, बस रिप्लेस कर देना है, क्या आज के बाद से जहां मीटर आएगा उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना है, जहां आपका सेकेंड आवर आएगा उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है, जहां टेम्परेचर आ जाए वहां थीटा से रिप्रेजेंट करना है, और जहां करंट आएगा कैपिटल से रिप्रेजेंट करना, ऐसे करके सिमिलरली सब कुछ रिप्रेजेंट करना है। फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, उसको रिप्लेस करो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। तो पहला चीज समझिए ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो अभी इसके अंदर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे आपको, काइनेमेटिक्स से पूरा चीज समझाएंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी सिर्फ ये सीखना है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मेजरमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर उसका आंसर करना ही चाहता तो क्या बोलोगे उसको, 5 पाथ बोलोगे, 5 किलोमीटर बोलोगे, और डायमेंशनली क्या बोलोगे कि 5 लेंथ बोलोगे, यही बोलोगे ना। तो
अभी आपको इतना ही सीखना है कि मेजरमेंट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट जब भी करोगे किस फॉर्म में करोगे आप, लेंथ के फॉर्म में, तो लेंथ का मतलब वो कैपिटल एल रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगर मैंने बोला स्पीड, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, स्पीड का मतलब होता है उस लेंथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अगर फॉर्मूला की बात करें, नाइन्थ क्लास से पढ़े होगे, क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं ना हम लोग। तो डिस्टेंस की जगह पे एल पुट किए और टाइम की जगह पे टी पुट किए, कितना हो गया एल बाई टी, या टी को ऊपर कर लो तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है। और आपको अगर याद होगा तो हम लोग स्पीड का यूनिट क्या बोलते थे, मीटर पर सेकेंड, याद है ना, तो बोलते थे मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे हुआ, मीटर का मतलब एल, सेकेंड का मतलब टाइम। अगर तुम्हें यूनिट भी याद है तो यूनिट की जगह भी रिप्लेस कर लो, डायरेक्टली आंसर आ गया। सिमिलरली जो यूनिट आपका स्पीड का था वही यूनिट किसका था, हमारा वेलोसिटी का था। वेलोसिटी का भी आंसर किस पे आता, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर का मतलब कैपिटल एल, सेकेंड का मतलब टी। अब बाकी सेम रहेगा, माइनस वन, तो यहाँ भी क्या है माइनस वन रहेगा, समझ गया। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला को छोड़ो, अब बताओ सिर्फ यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, याद है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का मतलब क्या डायमेंशनली एल, सेकेंड का मतलब क्या है टी, माइनस टू तो पहले से ही पहले से रहेगा, समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, या उसको बोलते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, करेक्ट। तो मास का मतलब क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो गया, केजी का कैपिटल एम, मीटर का एल, सेकेंड का टी, क्या हो गया एम एल टी माइनस टू। अगर आपको यूनिट याद है तो डायरेक्टली डायमेंशन भी कर सकते हो। लाइक वर्क की बात करें, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो याद होगा, फोर्स तो निकाल चुके, फोर्स कितना है एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एल, क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, समझ गए। तो बेसिक में आपको अभी फिलहाल इतना ही बताएंगे कि अगर आपको यूनिट याद है तो यूनिट के बेसिस पे आप चाहो तो डायमेंशनली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैंने बोला तो कैसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आपको, बात समझना। अगर मैंने बोला कि एक्स नाम का क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, एक्स नाम का क्वांटिटी है, एक्स का पावर ए, ओके, और मैंने बोला कि किसी लेंथ को ट्रेवल किया, किसी लेंथ को क्या किया उसने ट्रेवल किया, लाइक 5 किलोमीटर गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने बोला कि 5 किलोमीटर गया मतलब लेंथ ट्रेवल किया है। अब कंपेयर करें एक्स के क्या लिखा हुआ है एल, एल का पावर कितना लिखा है 1, तो ए कितना हो गया, तो ए वैल्यू 1 हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपका जो आएगा कंपेयरिंग क्वांटिटी आएगा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिए, ठीक है। ऐसे करके बहुत जितने क्वांटिटी होंगे, बस आपको ये देखना है कि उसका यूनिट क्या होगा, पावर क्या होगा, पावर को पावर से आप कंपेयर करो और वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। इन सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाएंगे जब पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, तब अभी फिलहाल बेसिक देखे इतना ही छोड़ रहे हैं हम डायरेक्टली स्टार्ट करें वेक्टर, ताकि आपको मान लो मैंने वेक्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, वहां बोल दीजिए चलो इस डायरेक्शन में गया, इतना लेंथ ट्रेवल किया, तो उस समय आप क्वेश्चन मत करना कि सर ये एल क्या है, एम क्या है, टी क्या है, थोड़ा थोड़ा बेसिक दे दिया आपको। जब जैसे ही वेक्टर कंप्लीट करेंगे दोबारा आपका स्टार्ट कर देंगे और इस पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही करवा देंगे, क्लियर। तो हेडिंग दो वहां पे, अब वेक्टर, वेक्टर कंटिन्यू करते हैं पहले। तो वेक्टर आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, पहले ये खत्म कर लेंगे फिर बाद में स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट एंड डायमेंशन। देखो वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर हुआ, स्केलर हुआ, टेंसर क्वांटिटी हुआ, इन तीनों का मतलब समझना आपको, ठीक है। वेक्टर बोलता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। स्केलर बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी फिजिकल क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन चेंज करने से उसका वैल्यू चेंज ना कर रहा हो, मतलब कि यह सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। और मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होता है मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब समझाते पहले क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब। अगर मैंने बोला तुम्हारा वेट 50 न्यूटन है, कितना आपका है, अगर वेट आपका 50 न्यूटन, देखो वेट हमेशा आपका एक फोर्स होता है, मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वेट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेट का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है ना। वेट क्या होता है, मास इंटू जी, और मास इंटू जी मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है
न्यूटन। तो वेट जब भी बोलना, आज के बाद से क्या बोलना आपको, न्यूटन के टर्म में बोलना है। मास जब भी बोले तो केजी के टर्म में बोलना है, क्लियर ना। तो मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैंने बोला वेट कितना आपका 50 न्यूटन। जो आगे जो नंबर लिखा हुआ ना, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और दिस न्यूटन रिप्रेजेंट कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ है। तो ये बोलेगा कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स का वैल्यू कितना आपका 50। ये बता रहा है कितना लग रहा है और ये बता रहा है क्या लग रहा है। चमका, अगर मैंने बोला कि धरती माता तुमको 50 न्यूटन फोर्स से नीचे खींच रही है, तो 50 बता रहा है कि धरती माता का कैपेसिटी कितना खींचने का, और न्यूटन बता रहा क्या कर रहा है, धरती माता क्या कर रही है, तुम्हें आगे भगा दे कि नीचे खींच रही है। न्यूटन बता रहा है तुम्हें कहां खींच रही है, नीचे खींच रही है। चमका, ये इसका बेसिक मतलब हुआ। अब अगर मैंने बोला कि मान लो तुम यहां से लखनऊ चले गए और तुमने ट्रेवल किया 250 किलोमीटर, बात समझ। अगर यही आंसर कोई बच्चा करेगा कि सर मैंने ट्रेवल किया 250 kg, दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया ना। ये एग्जैक्टली सही आंसर क्यों कर रहा है, बट बिकॉज मुझे पता है कि यहां से लखनऊ का डिस्टेंस एक लेंथ पाथ को ट्रेवल कर रहा है। तो ये बता रहा कि उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने लेंथ को ट्रेवल किया, और ये बता रहा कितना ट्रेवल किया, तो 250 यूनिट का किलोमीटर का लेंथ ट्रेवल किया। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट, कि यहां से लखनऊ जाने के लिए हमने क्या किया, उसका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, ये बता रहा आपका वैल्यू मेजरमेंट का, ये बता रहा कितना कितना उसने ट्रेवल किया। जब कर रहा, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते, किसी डाउट है मैग्नीट्यूड में, तुम्हें डाउट है तुम लोगों पक्का क्वेश्चन दे इस तरह क्या होता है, देंगे अच्छा ही देंगे, ठीक है। देखो तो देखते पहले यहाँ पे वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो पहले स्केलर से स्टार्ट करते हैं। आपको स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन उसके पास नहीं होगा। अब ये चीज तो डेफिनेशन वाइज क्लियर हो गया सबको कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, रट्टा मार सकते आराम से, कोई पूछेगा तो आराम से आंसर कर देंगे। बट ये चीज समझेंगे कैसे कि डायरेक्शन से मतलब नहीं, इसका मतलब क्या होगा, फिजिक्स में कोई क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है नहीं, इसका मतलब हुआ क्या। तो मैंने बोला कि सपोज करो तुम यहां से ए से बी गए, ठीक है, दैट इज 5 किलोमीटर, कितना गए 5 किलोमीटर। ए से बी गए, तुमने डायरेक्शन चेंज किया, फिर बी से ए पहुंच गए वापस, तो पूरा लेंथ कितना ट्रेवल किया तुमने, 10 किलोमीटर। क्या तुम्हारे डायरेक्शन चेंज करने से क्या वैल्यू चेंज हो रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ ही रहा है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 किलोमीटर। ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, तुम डायरेक्शन चेंज किए तभी तुम ऐड ही करते जा रहे हो। इनफैक्ट अगर तुम ऐसे जाकर ऊपर जाकर ऐसे मूव किए होते, कैसे भी मूव किए होते और फिर यहां पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सारे के सारे पाथ लेंथ को बस ऐड करके यहां पहुंच जाते। मतलब डायरेक्शन कितना भी चेंज कर लो फर्क नहीं पड़ने जा रहा, उस लेंथ को ऐड ही करना होता। लेकिन अगर वही बोले कि ए से बी गए और बी से ए वापस आ गए, तो मैंने पूछा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। इसका मतलब ए से बी गए 5 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम जैसे डायरेक्शन को चेंज किए और जैसे तुम पीछे बढ़ना स्टार्ट किए, तो वैल्यू तुम्हारा घटना स्टार्ट हुआ। लाइक तुम 1 किलोमीटर पीछे आए तो 4 बचेगा, 2 किलोमीटर पीछे आए तो 3 बचेगा, 4 किलोमीटर पीछे आ गए तो 1 बचेगा, 5 का 5 पीछे आएगा तो आंसर कितना बचेगा, 0। द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जहां से स्टार्ट किए जहां पहुंचे तो वहां पर रिमेनिंग पोर्शन कितना चलने को है शॉर्टेस्ट पाथ में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डायरेक्शन चेंज करने से उसका वैल्यू पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो वैल्यू पे फर्क क्यों पड़ा, बिकॉज डायरेक्शन क्या हो गया उसका, चेंज हुआ। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास वैल्यू तो है, मैंने बोला कि ए से बी गया, बी से आ गए वापस से, कितना होगा 0 किलोमीटर, आंसर कितना है। इसका मतलब ये रहा मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर बोल रहा है तुमने क्या ट्रेवल किया, तो पाथ लेंथ को ट्रेवल किया, और ये बता रहा कि तुम आगे गए पीछे गए तो उसका वैल्यू चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कौन सा क्वांटिटी हो गया यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा, वो अगर वैल्यू डायरेक्शन चेंज करेगा तो वैल्यू भी क्या करेगा, साथ साथ चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए उसका, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब लास्ट क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी, जो आपको पढ़ना तो नहीं है बट थोड़ा बहुत बता दे इसके बारे में। जैसे देखो कॉपी करना है इसको, कर लो। जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट आपका है, अच्छा समझ लो कोई पर्सन इसको
खींच रहा है इसको, मान लो ऐसे आगे तरफ खींच रहा है, और कोई इसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है, एक खींचा आगे की तरफ, एक खींचा ऊपर की तरफ। तो मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ आपका, किस तरफ जाएगा, राइट में जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? तो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिजल्टेंट, दैट डिफाइंस रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स आगे अप्लाई किया गया, एक फोर्स ऊपर अप्लाई किया गया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का लॉ ये बोलता है कि दोनों, उसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? हमेशा बीच में कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली तुम फील करोगे ना कि एक इधर खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। इसका मतलब ये मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि दोनों को बैलेंस करे। अगर मैंने बोला, तुम थोड़ा लॉजिक समझना यहाँ पे, अगर मैंने बोला 50 न्यूटन और ये भी 50 न्यूटन, तो ऐसे मूव करेगा ताकि दोनों खुश रहे, दोनों बैलेंस रहे, तो जाएगा एग्जैक्टली बीच में जाएगा। एग्जैक्टली बीच मतलब कि दोनों का एंगल 45-45 होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों सेम फोर्स अप्लाई किया और दोनों खुश भी करना है। लेकिन मान लो इसका 40 हो गया, कितना हो गया, तो ये बोलेगा मेरा फोर्स ज्यादा है, तो देखो एग्जैक्टली बीच में कब जाएगा, जब दोनों फोर्स कैसा होना चाहिए, सेम। अब थोड़ा ज्यादा हुआ तो कहाँ मूव करेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसकी तरफ मूव कर जाएगा थोड़ा सा। अगर मान लो ये 0 न्यूटन, तो फील करना, अगर मान लो ये 0 न्यूटन, ये आपका 100 न्यूटन, तो कहाँ जाएगा सीधे? क्यों? क्योंकि आगे फोर्स, आगे थोड़ा ही फोर्स निकल गया तो इसका मोमेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और जैसे फोर्स का वैल्यू इक्वल, एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? बीच में। क्या तुम फील कर पा रहे हो? नहीं? अच्छा, हम बोला यस, तुम सर हिला के कैसे बोल रहे, पता नहीं चल रहा। अब मान लो इधर 100 न्यूटन, अच्छे से समझना, ठीक है, ऊपर आपका 0 न्यूटन, ठीक है, ऊपर को खींचने वाला, अगर कोई फोर्स दोनों तरफ लग रहा, बात समझना, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो कहाँ जाना चाहिए एग्जैक्टली? बट वो बीच में तब डिफाइन करेगा जब दोनों तरफ फोर्स कैसा, इक्वल हो। अब पूरा का पूरा फोर्स किधर है? देखिए बीच में तब होता जब दोनों तरफ फोर्स होता, बट ऊपर तो है ही नहीं, तो पूरा फोर्स कहाँ चला जाएगा? तो राइट में निकल जाएगा डायरेक्ट। समझा? अगर 0.001 न्यूटन फोर्स ऊपर लग जाए ना, एग्जैक्टली सामने नहीं जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इधर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, समझे? अगर बोल रहे 10 और 100, अब समझना 10 और 100, तो कौन ज्यादा? तो 100 की तरफ झुक के चलेगा, 100 और 100 कहाँ जाएगा? दोनों को खुश रखना पड़ेगा, कहाँ जाएगा एग्जैक्टली? बीच में। 100 200 कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा 200 की तरफ, लेकिन बीच में नहीं जाएगा, मतलब बीच और 200 के बीच में कहीं लाई करेगा। अब चमका क्या बोलना चाह रहा है, जिस तरफ मूव कर रहा है ना, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट, और उसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते उसको हम लोग? तो आपने ट्रिपलेट तो पढ़ा होगा क्लास 8 में, ट्रिपलेट क्या होता है, लाइक पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग। तुम अगर देखोगे कि ये जो चीज आपका ड्रॉ किया ना, ऐसे कुछ है, देखो इधर कर लो, ऐसे आपका, तो ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो कितना हो गया आपका? 5 यूनिट। क्लियर? अगर तुम देखोगे ये क्वांटिटी सेम है कि नहीं, अगर ये 3, तो ये भी कितना हो जाएगा? पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं ना हम लोग, ये 3, तो ये भी कितना हो गया? कहने का मतलब, अगर ये मान लो 3 लग रहा है, ये मान लो 4 लग रहा है, तो कहाँ जाएगा? बीच में कहीं जाएगा, जाएगा ना, तो पक्का है। ये वैल्यू कितना होना चाहिए आपका? 5। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब ये चीज कैसे है, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल पता ही है, p² + b² = h² क्लियर कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 + 9 कितना हो गया? ये 5 का स्क्वायर 25, एग्जैक्टली बराबर आ गया। चमका ना? अच्छा, अब ये चीज जो आपको बता रहा है ना, 3 यूनिट 4 यूनिट कितना हो गया? 5 यूनिट। मतलब रिजल्टेंट वैल्यू जब भी होगा आपका, अगर कहीं लाई करेगा, तो इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बोलेंगे वेक्टर है, अदरवाइज वेक्टर नहीं है। अगर तुम करंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो थोड़ा करंट का क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी बहुत कम यूनिट होते हैं, करंट उनमें से एक है, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मैंने बोला दिस इज 5 एम्पियर, ठीक है, ये गया उधर 3 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर करंट किसी वायर में आ रहा था। एक सिंपल सा लॉजिकल आंसर करना, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ज्यादा स्मार्ट बनने की, बस सिंपल आंसर करना। अगर 5 एम्पियर करंट यहाँ पे है, 3 उधर निकल गया, तो इधर कितना निकलना चाहिए? 2, क्योंकि दोनों का समेशन 5 होना चाहिए। मतलब 3 इधर 2 इधर, मतलब क्या ये डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? क्या डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्शन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बट 3 और 4 मिलके 5 होता है ना। अगर ये वेक्टर को फॉलो कर रहा होता, तो कितना होना चाहिए था? 4 एम्पियर। 3 और 4 कितना होता है? 5। बट यहाँ कितना होगा? 3 और 2। देखो याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी में 3 और 4 5 होता है, क्योंकि आपका ये ट्रिपलेट को फॉलो करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। ये भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। क्यों? अगर ये 5 एम्पियर है, मान लो वायर को ऐसे कर दे, बात समझना, वायर को हम ऐसे कर दे,
अभी भी कितना जाएगा, ऐसे करता अभी भी कितना जाएगा, अभी भी कितना जाता। डायरेक्शन कैसे भी कर लो, एम्पियर हमेशा 2 एम्पियर ही जाएगा, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। वायर यहाँ है तो इधर ही जाएगा, वायर यहाँ तो इधर ही जाएगा, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। बट वेक्टर के रिजल्टेंट जो एडिशन आपका आंसर निकालो उस पर डिपेंडेंट है, नहीं है। तो टेंसर क्वांटिटी होता है कि मैग्नीट्यूड भी होना, डायरेक्शन भी होना, बट रिजल्टेंट वेक्टर को फॉलो नहीं करना। चमका, क्लियर ना? इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। बेसिकली इतना काफी समझने के लिए, इसको और भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन होता है बट उस लेवल तक आपको करना भी नहीं है, इतना समझना आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे मैग्नीट्यूड को लेकर, स्केलर को लेकर, टेंसर को लेकर और वेक्टर को लेकर। होप करते यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? ये तब पूरा का कंप्लीट आपको बेसिक क्वांटिटी जो आपको समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैंने बोला कि ए से बी, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ए पे खड़ा है और जाना बी के पास, तो बोलेंगे कैसे गया? तो बोलेंगे ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, कैसे गया ना? क्या इस लाइन को देखकर कोई बच्चा बोल सकता है कहां से ए से बी गया कि बी से ए गया? क्या कोई डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे है? कुछ भी इस लाइन को देखकर कोई भी आंसर कर पाएगा ए से बी गया कि बी से ए गया? नहीं पता चला ना। अब एक एरो साइन देते हैं यहाँ पे, अब बताओ अब कैसे गया? 100% क्लियर हो गया। एरो साइन बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है, ए से बी बता रहा है कितना गया होगा, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मुझे नहीं पता। एक मैग्नीट्यूड को ट्रेवल किया, 100% क्लियर है इसके अंदर, बट ये नहीं पता चल रहा कि ए से बी गया कि बी से ए गया। और जैसे ही एरो साइन दिए तो उसका डायरेक्शन ही पता चल गया हमको, कहां से कहां गया ए से। तो हम बोलेंगे ठीक है ए से बी गया ना, ए से बी लिख दिए यहाँ पे, एक एरो साइन कर दिए, ये डिफाइन कर देगा वेक्टर को। तो वेक्टर को डिफाइन करने का मतलब होता है कि ये बता रहा क्या, पोजिशन बता रहा है ए से कहां गया बी, और कैसे गया ए से बी, ऐसे गया। अब कल को तुम ऐसे मत कर देना, देखो बात समझना, कि सर ये हो गया बी, ये हो गया ए, ठीक है, तो ए से बी गया ऐसे, तो तुम ये मत कर देना यहाँ पे अब कि बी ए उल्टा गया, ये डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब तुम लॉजिक अगर समझ गए हो ठीक है, बट ऐसे मत लिख देना हमेशा। वेक्टर साइन जब भी लिखेंगे तो टेल होगा, इसको टेल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताना ही भूल गया, दिस इज कॉल्ड हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल। टेल हमेशा लेफ्ट में होगा, हेड हमेशा, ये डिफाइन करने का मतलब है जो साइंटिस्ट ने बोला है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जो उन्होंने बोला ऐसा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं, उल्टा नहीं कर सकते आप, क्लियर? तो बोलेंगे ए से बी गया, तो गया ठीक है, ये रहा डायरेक्शन, ये बता रहा है इस चीज को, क्लियर? अब सुनो बात को अच्छे से, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं तो लॉजिकली सुनो। हो सकता है कि 10 मीटर गया हो, कितना गया होगा, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4, 5, 6, 7, जो भी आपके 10 पार्ट डिवाइड किए, तो एक पार्ट गया होगा ना, 10 पार्ट का एक पार्ट को क्या बोलेंगे, मतलब यूनिट, यूनिट बोलते हैं ना उसको, तो एक पार्ट के जाने को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, बोलते क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिट वेक्टर। जाने के लिए पूरा पार्ट पता होना बहुत जरूरी है। तुम्हें कैसे पता एक पार्ट कितना गया? मैंने बोला कि तुम आज मेरे घर में, आज मान लो 100 रोटी बना, अगर मैंने उसमें 10 रोटी खाया तो क्या बोलेंगे, उसका यूनिट पार्ट कितना खाया, 10 खाया मान लो, मतलब मेरा 10 रोटी एक के बराबर मान लो। तो तुम पूरे का डिफाइन कर पाओगे तभी तो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर पाओगे ना। तो यूनिट वेक्टर डिफाइन होने के लिए पूरा कंप्लीट वेक्टर का पता होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पता फिर आपको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वेक्टर पता होने के लिए मैग्नीट्यूड का पता होना बहुत जरूरी है, क्लियर ना? तो ये था वेक्टर के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बेसिक बातें। बेसिक बातें मतलब ये हुआ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोलते ए से बी गया तो ठीक है ए से बी चला गया, और एरो साइन से पता चलता किस डायरेक्शन में गया। वेक्टर विदाउट डायरेक्शन इनवैलिड है, अगर वेक्टर के अंदर डायरेक्शन नहीं है तो क्या बोल देंगे उसको हम लोग, स्केलर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्केलर। इसका तो वेक्टर डिफाइन होने के लिए उसके पास डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब फिजिक्स में क्वांटिटी कुछ भी हो, आपका मैग्नीट्यूड तो सम ही होता है ना। अगर तुमको बोल रहे कि तुम्हारा वेट कितना है तो 60 न्यूटन, 60 हो गया मैग्नीट्यूड। कितना मीटर गए, 50 मीटर, तो 50 हो गया मैग्नीट्यूड। कितना सेकंड तक काम किए, 50 सेकंड, 50 हो गया मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड तो हर जगह अवेलेबल है, बट किसको समझना है स्केलर, किसको समझना है वेक्टर, ये जानने के लिए कुछ बेसिक बातें क्लियरिटी आनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं उस चीज। सो दिस इज एक्स क्वांटिटी, दिस इज वाई क्वांटिटी एंड दिस इज जी क्वांटिटी, ठीक है, एक्स वाई जी तीन क्वांटिटी आपका। अगर मैंने बोला कि मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई इसको डालो थोड़ी देर के लिए, इसको बाद में ऐड कर लेंगे। सो दिस इज एक्स क्वांटिटी, दिस वाई क्वांटिटी। अगर मैंने बोला कि कोई पोजिशन यहाँ पे, ठीक है, पहली बात ये समझना कि अगर आपको कुछ मेजरमेंट करना ही है तो मेजरमेंट करने के लिए कहीं बैठ कर देखना पड़ेगा। लाइक तुम यहाँ से अगर बैठ कर देखोगे
तो वो कॉर्डर आपसे कुछ किसी डिस्टेंस पे, मान लो मैंने बोला कि उसके लिए वो कम से कम आपका कितना मीटर होगा, 10 मीटर मान लेते हैं, उस कॉर्नर से कितना मीटर आपका है, 10 मीटर, बट इससे कितना है, 3 मीटर, कितना है? क्या कॉर्नर अपना प्लेस चेंज किया? कॉर्नर तो वही है, बट उसका आंसर अलग क्यों आया? इसलिए जो देखने वाला है पोजीशन, जहां बैठा हुआ है जो ऑब्जर्वर है, उसके पोजीशन में डिपेंड करता सब कुछ। तो अपना एक पोजीशन फिक्स कर लो लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद कभी चेंज मत करना। फिजिक्स में पढ़ने का मतलब ये होता है ऑब्जर्वर कहीं पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। ऑब्जर्वर पोजीशन चेंज करेगा तो आंसर भी क्या करेगा, चेंज। जैसे अभी आंसर चेंज किया ना, अगर मान लो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कितना होगा, 250 किलोमीटर। तो आखिर न्यू दिल्ली तो वहीं रह गया ना, तो चेंज क्या हुआ, ऑब्जर्वर जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो आज के बाद से फिक्स ये करते हैं कि हम बैठ कर कहाँ से देखेंगे, तो ऑरिजिन से बैठ कर देखेंगे। दिस इज द ऑरिजिन, जहां से बैठ कर हमें देखना है किसी का पोजीशन मेजरमेंट करना। ठीक है, मैंने बोला इसका पोजीशन क्या होगा, इस क्वांटिटी का पोजीशन क्या होगा। मैंने बोल दिया मान लो एक्स में आपका ये 3 मीटर की दूरी पे है, और वाई में आपका 4 मीटर की दूरी पे, मान लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, 3.4 बोल देंगे इसको, यही बोलेंगे ना। अच्छा, तो इसको बस पोजीशन डिफाइन किया इसका क्या। अच्छा छोड़ रहे हैं तो, हाँ देखो, तो मैंने क्या किया, इसका बस पोजीशन डिफाइन किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ऑरिजिन के लिए, इसके लिए कहीं यहाँ बैठा हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आज के बाद से हम उसके वेक्टर को लिखना चाहें कि एक्स में कहाँ है वाई में कहाँ है, उसके लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन करना जरूरी है। तो बोलेंगे एक्स के लिए आज के बाद से जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो टर्म क्या आपका, आई कैप, क्या आपका है, और वाई के लिए क्या यूज करेंगे, जे कैप, और जी के लिए क्या यूज करेंगे, के कैप। ये बस टर्मिनोलॉजी याद कर लो कि जब भी आपको वेक्टर फॉर्म डिफाइन करना हो यूनिट वेक्टर में कहाँ गया कितना गया, तो बोलेंगे एक्स के लिए यूज करना आई कैप, वाई के लिए क्या यूज करना हम लोग, जे कैप, क्लियर। इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ, 3 i कैप और 4, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में दोनों क्या आता है पॉजिटिव, तो +3 i कैप +4 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर में डिफाइन हुआ। और ये आपका क्लास 9th के बच्चों को पढ़ना होता है कि है कहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए। वेक्टर में तो डायरेक्शन के साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सिर्फ बता रहा है कहाँ पे है, उसका डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है सर, कितने एंगल पे है क्या है उसे नहीं पता हम लोग को, क्लियर ना। अच्छा, तो अगर मान लो मैंने बोला कि इसी पोजिशन को डिफाइन करना है 3D में, कहाँ डिफाइन करना है, तो 3D कहने का मतलब तीनों डायमेंशन यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई एंड जी। तो जी तो यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा, 3.4, लास्ट क्या हो जाएगा, अब एक्स में 3 गया, वाई में 4 गया, जी में कितना गया, तो क्या हो जाएगा, 0 k कैप, क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं, आए बात समझ में, डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, देखो लो उसको बता ही देते कैसे उसको यूज करते हैं, मेजरमेंट देना, 3 पेन देना, पतला पेन होना चाहिए। यही था आपका, इधर कर लेते हैं, तुम्हारे लिए तो एक्स वाई जे ऐसे हो जाएगा ना। अब ठीक है सर, तुम्हारे लिए ना एक्स वाई जे ये ना, देखो क्लियर है, ये क्वांटिटी कौन सा हो गया, एक्स आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, जेड क्वांटिटी हो गया। अब अगर मैंने बोला कि तुम जब भी मेजरमेंट करोगे कैसे करोगे, पहले एक्स का लिखेंगे, फिर वाई का, फिर कैसे लिखेंगे, जी का। अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट मूव किया ओनली एक्स में, सिर्फ एक्स से मूव किया, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे आपको लिखना, पॉइंट कैसे है, x, y, z ऐसे लिखना है। तो 1 2 3 यहां मूव किया, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 3.0.0, सिर्फ एक्स से मूव किया ना, 3.0. अब मान लो 4 ऊपर गया, 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या होगा, 3.4.0, क्योंकि एक्स में 3 वाई में 4। अब मान लो 5 क्वांटिटी आगे चला गया, 1 2 3 4 5, ये क्वांटिटी क्या होगा, समझे ना। तो ये क्वांटिटी तीनों डायमेंशन दिखा रहा है, मतलब कि ये आपका जी से ऊपर है, वाई से इधर है, और आपका एक्स से भी है, एक्स से नीचे की तरफ, क्लियर आई बात समझ में। तो इसी को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, मान लो यहां पे गया तो क्या बोलेंगे, 3.0.0 कैसे लिखेंगे, 3 i कैप प्लस 0 प्लस 0 k कैप,
अब चार ऊपर गया, एक दो तीन चार, क्या बोलेंगे, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब पांच आगे गया यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। ये तुम जहां भी जा रहे हो सिर्फ पॉजिटिव जा रहे हो, अब मान लो नेगेटिव चले गए, बात समझना, यहाँ तीन गए नीचे चार आए, एक दो तीन चार, अब क्या बोलो इसके बारे में, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब तुम पीछे आगे पांच, यहां पे आगे पांच, मतलब आगे गए तो प्लस पीछे गए तो, बट एक्स तो अभी भी थ्री प्लस में ही है, एक्स नेगेटिव इधर होगा ना, बात समझे, तो इसका क्या होगा पोजिशन, इसका यहाँ पे थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, चमका। तो ये पोजिशन प्लस माइनस कैसे डिफाइन किया हमने, ऑरिजिन में बैठकर, तुम कहां बैठे हो ये पता होना बहुत ही जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाओगे। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कि आई कैप जे कैप बस इतना समझो कि आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ जो डिफाइन कर रहा है, जे कैप आपका वाई एक्सिस की तरफ डिफाइन करेगा, और के कैप आपका जेड एक्सिस की तरफ डिफाइन करेगा, इतना ही वैल्यू आपका आई कैप जे कैप का है, और कुछ नहीं इसके अलावा। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखो, अगर मैंने बोला, समझना अच्छे से, अगर मैंने बोला कि मान लो, अच्छे समझना, तुम यहां बैठे, ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, तो मान लो कोई पर्सन यहां बैठा ए पे, ठीक है, तो बोलेंगे मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्टेंस यहां दिख रहा होगा, तो मैंने बोला कि आपका ये आर वन वेक्टर पे है, कितना डिस्टेंस आपका है, तो जीरो से ए, क्या हो गया आपका जीरो से ए, क्या बोलेंगे, ओ ए बोलेंगे, और डायरेक्शन कैसे है जीरो से लेकर, तो क्या होगा जीरो से मतलब ओ ए वेक्टर, कोई दिक्कत, इसको डिफाइन किस नंबर से कर रहे हैं हम लोग, आर वन से, ठीक है। अब समझना कैसे हुआ, ये क्या हुआ कि ए से बी चला गया, यहां पर चला गया, ठीक है, इसको मतलब नहीं है, ये अपने रेस्पेक्ट में कैसे गया, ए से कहां गया बी, तो तुम कैसे वेक्टर में लिखो बताना एक बार, ए से बी कैसे लिखोगे, ए से बी की तरफ एरो, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है पहले ए पे था बाद में कहां चला गया, यही बोलेगा ना, तो मान लो चला गया बी पे, तो हम बोल दिए इसको कहां पे आर टू वेक्टर, कितना बोल दिए इसको हम लोग, तो इसके बारे में कैसे रिप्रेजेंट करें वेक्टर बताना एक बार, ओ से बी, कोई दिक्कत, तो तीन वेक्टर फॉर्म मिला हम लोग, क्या क्या मिला, पहले था ओ से ए पे, बाद में चला गया ओ से बी पे, बट कैसे गया, जब वो ए से बी मूव किया, इतना ही ना, क्या ये बात समझना, क्या ये रिजल्टेंट है, ए से बी ही आपका रिजल्टेंट है ना, मतलब ये मूवमेंट कैसे किया, ये मूवमेंट किया ए से बी, इसने क्या देखा, बोलेगा कि पहले आप ए पे थे बाद में कहां पे चले गए बी पे, क्या इस पोजीशन को फाइनल बोल दे, और इस पोजीशन को इनिशियल बोल दे, कोई दिक्कत, किसी का पोजीशन डिफाइन करना, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर इसका पोजीशन डिफाइन करना हो क्या करना, जहां तुम बैठे हो वहां से एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, पोजीशन को आज के बाद से हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बोलेंगे आर वेक्टर, क्या बोलते इसको हम लोग, तुम यहां पे पहले इनिशियल पे थे तो इनिशियल को आर वन कर दियो, अब तुम ए ए से बी चला गया, तब क्या हो जाएगा आपका आर टू वेक्टर, पहले ए पे थे बाद में कहां चले गए, तो क्या ये फाइनल है, और क्या ये, तो चेंज क्या क्या होता है इसका मतलब, चेंज कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस, क्या इसको आर टू माइनस आर वन लिख लें, क्या चेंज कैसे लिखेंगे आर टू माइनस, तो यहां भी क्या हो जाएगा बताना, फाइनल कहां पहुंचा आर टू पे, इनिशियल कहां पे था आर वन पे, क्या दोनों का चेंज का पता यही हुआ क्या, बोलो कोई दिक्कत, यहां पे किसी बच्चे को डाउट है, तो गया कैसे, मान लो ए से बी गया ना, तो क्या होगा ये आर वेक्टर, बोलने का मतलब ये हुआ कि तुम आर टू पे पहुंचे, आर वन से स्टार्ट किए, इसके बीच जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तुमने आर वेक्टर, क्या आर टू माइनस आर वन को बोल सकते हैं कि आर वेक्टर के बराबर है, तो फील करो पहले इसको अच्छे से, आर टू मतलब फाइनल, आर वन माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू जितना तुमने चला किसके बराबर है, आर टू माइनस आर वन के बराबर है, तो क्या इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब इस समय कैसे लिखेंगे बताओ, कहां था पहले ओबी पे, कहां पे था स्टार्टिंग, कहां पे था अब पहुंचा कहां इक्वल टू ए बी, क्या ये क्लियर है सबके लिए, क्या किसी बच्चों को इस पर डाउट है कैसे लिखा गया, इसको बोलते पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब जहां तुम बैठे हो और जहां वो पोजीशन था दोनों को लाइन को जोड़ दिए उसी को बोलेंगे पोजीशन, लाइक इस लाइन को जोड़ना है तो बोल दिए ओ ए, इस लाइन को जोड़ना बोल दिए ओ बी, और ये चला ए से बी इसको जोड़ दिए ए से बी, तो देखो तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आर टू माइनस आर वन इक्वल टू आर वेक्टर मतलब ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी, कोई दिक्कत है यहाँ पे, प्रॉब्लम किसी को, अब सुनो बात को, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, समझना जैसे क्या लिखा हुआ है ओ बी माइनस ओ ए, अच्छा समझना ठीक है, या तुम ऐसे बोल दो कि जब भी आज के बाद से वेक्टर का रिजल्ट लिखना हो
तो बाद वाला माइनस पहले वाला, देखो बी माइनस ए, कैसे लिखना बी माइनस, अच्छा सुनो ना, ए से बी, ए बी वेक्टर क्या है, फाइनल कितना है, फाइनल कहाँ पहुंचे थे, इनिशियल कहाँ स्टार्ट किए थे, तो हमने क्या किया बी को ए से माइनस, तो क्या हमने, तो बी माइनस ए, बस देख कहाँ से रहे थे हम लोग, तो दोनों में ओ बस ऐड कर, जहां से तुम बैठ कर देख रहे हो ना उसको बस ऐड कर देना, वो जगह डायरेक्टली आपका रिजल्टेंट, अगर तुमको बोल रहे हैं समझना बात को, इसका बोलो तो सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो डायरेक्टली, शाबाश, ओ डी माइनस, अच्छा ये बताओ तो एम एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एन माइनस, क्या ये सब कुछ हमका, ये ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम कहां से बैठ कर देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ठीक है, तुम ऐसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम बोले इसी को करने के लिए बोलेंगे कि आप इसको कर लो ए एन माइनस ए एम, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ, ए पे बैठा हुआ, इतना मतलब यही हुआ, समझा ना, बस ध्यान ये रखना कि फाइनल वाला पॉइंट माइनस इनिशियल वाला पॉइंट, चमका, डाउट किसी बच्चे को, इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, बता दो यहां पे क्या था, यहां पे था कि आर टू, अच्छे समझना, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू क्या आपका आर वन, उसको उधर भेज दो, भेज दो, तो आर टू इज इक्वल टू, सब बच्चे बोलना आर वन प्लस आर वेक्टर, ये ना बहुत काम का फॉर्मूला भी निकलेगा हम लोग के लिए, क्योंकि बार बार इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, लोग कैसे निकालेंगे आंसर, इसको ऐसे बोलेंगे, जो फाइनल वाला होगा, ठीक है समझना, जो फाइनल वाला जहां तुम पहुंचे वो इक्वल टू होगा जहां से स्टार्ट किया जहां पे चले गए, अब तुम एरो साइन देखना कैसे हुआ, क्या एरो साइन यहां पे आर वन का ऊपर की तरफ है, अरे बोलो कोई दिक्कत, क्या यहां पे एरो साइन इस डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत, और यहां पे क्या एरो साइन ऊपर की तरफ है, अगर समझना बात को, अगर ये एरो साइन देखोगे ना ये और ये क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो तो क्या चल रहा है आपका, बट ये क्या हो गया उल्टा कर दिया, अगर ये भी नीचे की तरफ होता ना तो पूरा आंसर जीरो बोलो, क्या बोलते आंसर, कैसे तुम चाहो तो चेक कर लो, इसको पहले कॉपी करो, बता जैसे वहां पे दिए थे क्या आपका, हम कि ऐसे दिए थे, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन मूव किया, ए से कहाँ मूव किया, बी ओरिजिन पे था, तो मतलब कैसे डिफाइन करना है, पहले यहां से देख रहे हैं हम लोग, तो यहां से था आपका, तो क्या बोल देंगे इसको, ओ ए वैक्टर बोल देंगे, करेक्ट, और बी पे पहुंचा तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ओ बी वैक्टर बोल देंगे, ए से बी गया तो ऐसे क्या होगा, तो पहले हमने यहां से देखा, पहले ए पे था हमने ऐसे देखा, तो यहां पर था हमने ऐसे ही देखा होगा, हम देख रहे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट चला गया, लाइक समझो तुम बात समझना कैसे, कि तुम्हारे आंखों के सामने पहले यहां था यहां चला गया, तुमने क्या देखा कि पहले यहां था अब कहां चला गया, ऐसे चला गया, मूवमेंट कैसे हुआ स्ट्रेट, तो ये था फाइनल ये था इनिशियल, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर, यहां डाउट है किसी बच्चे को, अच्छा तो ये जो वेक्टर आपका है, ये जो वेक्टर है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके बराबर है, तो वही तो बोला आपको मैंने, ये मान लो आर वन पे था इनिशियल, ये मान लो आर टू पे था फाइनल, ये कितना चला आपका आर वेक्टर, तो क्या बोले आपको डायरेक्टली देख के बताओ, तो फाइनल माइनस बोलो कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इज इक्वल टू जितना मूव किया आर वेक्टर, तो आर टू वेक्टर क्या लिखेंगे, आर प्लस आर वन वेक्टर, समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, डाउट यहां पे, तो प्लस कब करना है, समझो बात को, प्लस कब करना है, अगर ये डायरेक्शन चेक करना, ये चल रहा है ऊपर की तरफ, देखो अभी तक कैसे गया, आगे जा रहा है आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक डायरेक्शन सेम मिलेगा प्लस करते जाना, क्यों, देखो ये दोनों प्लस क्यों हुआ, ये दोनों प्लस इसलिए हुआ बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और ये इसको इक्वल टू क्यों कर दिए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या हो गया जबकि ऑपोजिट, अब तुमको आंसर करना है इसका क्या होगा, ए बी सी, अच्छा समझना सब बच्चे, ये मान लो है पी वेक्टर, ये मान लो है क्यू वेक्टर, ये मान लो आर वेक्टर, सब कुछ आंसर डिपेंड करता है मेरे डायरेक्शन पे, क्या तीनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, पी देखो पी गया आगे, क्या अभी भी आगे जा रहा है, प्लस करते जाओ, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है सबको क्या करना है आपको, प्लस, फिर क्या आगे के फिर से सेम डायरेक्शन में है क्या, इज इक्वल टू जीरो कर देना, इज इक्वल टू, अगर यही उल्टा हो जाए ना, अगर ये क्या हो जाएगा उल्टा, तो माइनस करना है, देखो अगर मैंने बोला इफ दिस इज वेक्टर ए वेक्टर, अच्छा समझना क्या होता है, अगर ये वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर लेकर आए, बस डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, क्या हो जाएगा आपका, अगर ये ए वेक्टर है ए से बी यहां से यहां तक, सेम मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर लेकर आओ, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका उल्टा, तो क्या लिख देंगे, प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे, बताओ ये चीज समझना अच्छे से, ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन चल रहा है, देखो तो अगर मान लो इसका डायरेक्शन उल्टा कर दे, समझना बात को, क्या कर दे, क्या यही डायरेक्शन माइनस आर हो जाएगा, होगा क्या, तो क्या लिखेंगे बताना,
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो पी प्लस क्यू वेक्टर कितना हो गया आपका एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करना। तो मान लो सब बच्चे सुनना, मान लो इसको नीचे की तरफ करते हैं, मान लो क्या करती है इसको, अब बताना क्या होता है बता दो। आर वन वेक्टर देखो सब कुछ सेम डायरेक्शन चलना चाहिए, जब तक डायरेक्शन सेम है प्लस करते जाओ, डायरेक्शन उल्टा ही क्या कर दो उसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा आर वन वेक्टर प्लस प्लस ये कितना था आर टू प्लस आर टू वेक्टर इक्वल टू। अगर ऐसा होता तो बट यहां पे एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे था बताना, किस तरफ था आपका ये ऊपर की तरफ, कैसे था आपका ये। अब करो तो आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर इज इक्वल टू, तो माइनस आर टू वेक्टर लिखते ही क्या हो जाएगा ये सेम आ जाएगा ना। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं आपको ऐसे समझना है, कितना ही बड़ा शेप ट्रायंगल ही नहीं, कितना ही बड़ा शेप क्यों ना कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो शेप को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसका नाम करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर एफ वेक्टर जी वेक्टर एच वेक्टर। क्या देखो सबका डायरेक्शन सेम है क्या, सेम का मतलब क्लॉकवाइज सब है क्या, तो सबका समीशन इक्वल टू डायरेक्टली। लेकिन मान लो इसको उल्टा कर दिए, इसको क्या किए तो सब समीशन इसके बराबर हो जाएगा। चमका डाउट किसी को, लिख लो इस पॉइंट के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक वेक्टर डायरेक्शन सेम मिलता जाए सबको ऐड करते रहो इक्वल टू जीरो कर देना, और जिसका डायरेक्शन उल्टा होगा माइनस करके जीरो कर देना। पहला देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बस डायरेक्शन का उल्टा हो जाना। सुनो अगर मैंने बोला कि दिस इज बी वेक्टर या ऐसे आगे जा रहा है तो नेगेटिव मतलब सेम मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंट है बोल रहे सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना चाहिए बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये उल्टा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं माइनस बी वेक्टर। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होता, तुम क्या बोलोगे कि ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया है बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम, वो कभी चेंज नहीं किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी वेक्टर, देखो एक वेक्टर मान लो ए है, ठीक है, एक वेक्टर मान लो बी है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो सेम मैग्नीट्यूड में हो तो बोलेंगे क्या इक्वालिटी वेक्टर, इक्वल वेक्टर इसको बोलते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों का क्या क्या सेम हो, मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन, एक होता है एंटी पैरल एक होता है पैरल। पैरल का मतलब ये हुआ अगर मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर, तो कहने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन होना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि इक्वल वेक्टर, इक्वलिटी क्यों लिखी, इक्वल वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक है बात समझना, बट इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना बहुत ही जरूरी है। अब पैरेलल में क्या होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन शुड बी सेम, दिस कॉल्ड पैरेलल। एक होता है आपका एंटी पैरेलल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल, जस्ट इसका नेगेटिव वाला हो जाएगा। ए वेक्टर है तो उसके उल्टा डायरेक्शन में कौन आपका है, बी वेक्टर, समझ गए। देखो दोनों का बस डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए जरूरी, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो बोल देंगे नेगेटिव वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए कहां गया इन दोनों का, तो बोल देंगे इक्वल वेक्टर। चमका तो चारों आपका एक टर्मिनोलॉजी यहां पे जो आपको बातें समझ में आना चाहिए कैसे लिखा गया है। पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं, हो सकता है, हो सकता है बट जरूरी नहीं कि सेम हो ही जाए। एंटी पैरेलल बस डायरेक्शन उल्टा बट मैग्नीट्यूड सेम हो जाए जरूरी नहीं है। इक्वल वेक्टर में सेम डायरेक्शन तो होना ही चाहिए साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर में आपका डायरेक्शन तो उल्टा होना ही चाहिए साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये चार क्वांटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका फ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फ्री कहने का मतलब ये हुआ अगर मैंने बोला, बात समझना अच्छे से, अगर मैंने बोला ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी, ये चार अलग अलग वेक्टर जो चारों चारों डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जहां कहां रखे हुए, यहां रखा है, यहां रखा है, मुझे नहीं पता कहां रखा है, बट आपको ये अधिकार मिलता है, राइट मिलता है वेक्टर के टेल को उठाकर और हेड को मिलाकर इसका रिप्रेजेंट करने का। बी वेक्टर, सी वेक्टर कहीं भी रख लो और डी वेक्टर ऐसे कहीं किसी को भी रख लो, बात समझना। अगर मैंने बोला कि दिस इज ए वेक्टर, ठीक है बात समझना, दिस इज ए वेक्टर, इस वेक्टर को उठाओ
उठा ही लेते ना, इस वेक्टर को उठाओ कहीं भी रख दो, अभी भी क्या होगा ये, ए वेक्टर उठा के यहाँ रख दो, अभी भी क्या होगा ये, अभी भी क्या होगा ये, कहीं भी रख दो कोई फर्क, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तुम्हारे पास फैसिलिटी है डायरेक्शन चेंज नहीं करने का, तो फायदा उठा रहे उसका, देखो कहीं भी रख दो, क्या है आपका ये, अभी भी क्या है आपका ये, ए वेक्टर अभी भी क्या है, कहीं भी रखो किसी कॉर्नर पर रखो, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, अभी भी क्या आपका ये, ए वेक्टर चमका। अब अगर मान लो इसी की बात कर रहे थे, इसको उठाए, देखा समझना, इसको उठा के यहां रख लिया, अभी क्या आपका ये, ए वेक्टर, ये क्या है, ये क्या है, सी वेक्टर, और ये क्या है, ठीक है क्लियर। तो अगर ये ए बी सी डी था तो अभी भी क्या है, तो तुम क्या समझे इससे कि वेक्टर कहीं भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो बताना सब बच्चे कि ये क्या हो जाएगा, ये बोले इसको आर बोल ले, क्या आर को रिजल्टेंट बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आर को, रिजल्टेंट। तो मैंने बोला रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, बताना सब बच्चे, देखो सेम डायरेक्शन चल रहा है, डायरेक्शन क्या सेम है क्या अभी तक, डायरेक्शन सेम मतलब ऐड करना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका एक उल्टा हो गया क्या, इक्वल टू, जो उल्टा हो जाए उसी इक्वल टू कर लेना, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू बोलना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर तरीका क्या लिखने का है बोलो, तो डायरेक्टली जो सिखाए वो बोलो, क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, डायरेक्शन क्या हो गया उल्टा, तो उल्टे को क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ आर, माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू, तो क्या आर ऊपर इधर चला जाएगा, तो क्या यही बन जाएगा फिर से, चमका कोई दिक्कत यहाँ पे। तो फ्री वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हुआ कि वेक्टर कहीं उठा कहीं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ दिखा दिया ना, चमका क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा अब अगर मान लो इसको प्रूफ करना है, हमें इसको प्रूफ कर पाओगे, वैसे ये आंसर इतना है कि इसको प्रूफ, तो आपका थ्योरम डायरेक्टली यूज कर ली ना, लॉ का यूज कर ली। अगर मैंने बोला प्रूफ दिस कि आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो समझो ये बताना कि इन दोनों को ज्वाइन कर लिए, ठीक है इन दोनों को ज्वाइन कर लिए, क्लियर, तो बताओ इसका आंसर कितना, पीला वाला का आंसर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर क्या इन तीन ट्रायंगल को मिलाकर बनाए, क्या होगा, ए प्लस बी, इसका डायरेक्शन उल्टा, तो उल्टा मतलब इन दोनों बराबर कितना हो गया, ए प्लस, सब बच्चे बोलो, क्या डाउट है किसी को, इस वाले ट्रायंगल में क्या ए प्लस बी इसके बराबर होगा, एक काम करो इसको भी जोड़ लो, तो अब इस ट्रायंगल में ये कौन सा, ये तो इन दोनों का समेशन क्या इसके बराबर होगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अब इस वाले में देखो क्या ये वाला इन तीनों के बराबर होगा, कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, यही तो लिखा हुआ है। आप किसी भी तरीके से करो, आंसर वॉन्ट चेंज, कॉन्सेप्ट वॉन्ट चेंज, आपका बस तरीका सही होना चाहिए करने का, आप तो डायरेक्टली इस मेथड से कर लो, बट आपको इससे करना है तो इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं करना चाहिए, क्लियर, आए बात समझ में। अगर अभी भी किसी को डाउट है, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। अब इसका नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये 10 मीटर है, कितना आपका है, 10 मीटर, ए से बी। चलो देखो अगला कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर जो का बोल रहे थे आपको हम पढ़ाएंगे कि यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ज्यादातर बच्चे फॉर्मूला रट्टा मार के रखते हैं, आप बोलते हैं कल आज याद करो कल पक्का भूल जाओ, वो मेरी गारंटी है आपको हम बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर याद रहा कहीं भूल नहीं पाओगे। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका क्या है, बात समझना, उसको कैप से रिप्रेजेंट करना। मैंने बोला कि ए कैप, तो ए कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर, तो ध्यान इतना ही रखना और कुछ नहीं। दो तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है कि कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैंने बोला कि 10 मीटर का एक डिस्टेंस को किसी ने ट्रेवल किया, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, 1 मीटर, कितना हो गया, क्या ये 1 मीटर और 10 मीटर को मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा, पूरा ए से भी आ जाएगा। अच्छा सुना जो बोल रहे हैं, अगर तुम यूनिट वेक्टर को पूरे 10 से मल्टीप्लाई किए, क्या पूरा वेक्टर आ गया, ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, 10 क्या है,
तुम यूनिट वेक्टर में 10 से मल्टीप्लाई किए, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया, क्या पूरा वेक्टर आ गया क्या? ए से बी जाना, तुम्हारा मूव करना इज अ वेक्टर। तुम ए से बी मूव किए ना, तो क्या बोलेंगे उसको? वेक्टर। वो अलग बात है कितना मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता। मैंने बोला तुम यहां से यहां मूव कर गए ऐसे, किसी ऑब्लिक एंगल में मूव कर गए, कोई थीटा एंगल बनाया, मूव कर गया आगे, ठीक है। तो मुझे, मैंने बोला कि तुम गए 20 मीटर, कितना गए? तो तुम्हारा 20 मीटर का यूनिट वेक्टर कितना होगा? 2 मीटर। कितना होगा? होगा नहीं होगा? तो मैंने बोला तुम 20 मीटर मूव किए होगे, उसका यूनिट वेक्टर जो भी होगा, उस यूनिट वेक्टर में तुम्हारा मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे, क्या यहां से यहां पूरा गए हुए तुम्हारा डायरेक्शन निकल जाएगा? अरे यहां से यहां गए, तुम क्या गए? ए बी वेक्टर गए कि नहीं गए? क्या इसको 10 मीटर को ही ए बी वेक्टर बोल रहे हैं क्या? ये 10 क्या बता रहा? 10 बता रहा उसका मैग्नीट्यूड। ए बी क्या बता रहा? उसका वेक्टर। और ये 1 क्या बता रहा? उसका यूनिट। तीन क्वांटिटी बोल रहे दोबारा से, 1 क्या है उसका यूनिट, 10 क्या बताया उसका मैग्नीट्यूड, और ए से बी क्या बताया पूरा उसका। तुम कैसे बोलोगे? बोलोगे सर कि 1 में 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा मिल जाएगा, यही बोलोगे ना? तो क्या कर? अब तुम यूज करना टर्मिनोलॉजी, फिर बोलना मुझे। यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर। चमका, दोबारा बोल रहे, यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मिला क्या? तो बोलना तो कैसे बोलेंगे। और उससे पहले और सुन बात यहाँ पे, कि अगर मान लो, सब बच्चे ध्यान देंगे, अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि तुम यहाँ पे थे 3.4 पे थे, ठीक है, तो इसका ए बी वेक्टर क्या बोलोगे? मतलब यहाँ ए था, ये मान लो बी है, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? बोलोगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस, ये तो पहले से बता तुम लोगों, ऐसे बोलते ना हम लोग, क्लियर ना? चलो देखो, ये वेक्टर है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, पहले सीख लो क्या निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है मॉडुलस होता है, क्या होता है? तो बोलेंगे ए बी मॉडुलस। ए बी मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर लिखना हो तो ऊपर एरो साइन, ऊपर एरो साइन बना तो बोले वेक्टर लिख रहे हो। अब मॉडुलस के अंदर इसी को लिख दो, क्या बन जाएगा वो? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है रूट अंडर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बट यहाँ के तो है नहीं। जितने भी आपका यूनिट में जो वेक्टर डायरेक्शन है सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, बता मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? अच्छा, तुम जो जैसे बोले ना वैसे तुम बोलना, ठीक है, समझना अच्छे से। यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए बी कैप, बोलो कोई दिक्कत? मॉडुलस ए बी क्या बन गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या बना? ए बी वेक्टर। जो मैंने बोला था एग्जैक्टली बोलो, तो क्या बोला था मैंने? यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पूरा वेक्टर, ये बोले थे ना? बोलो क्या हो गया? ए बी कैप, ए बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर इनटू मॉडुलस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या? अरे चमका, क्या इसे लॉजिक में किसी को डाउट है? तो बताओ ए बी कैप कितना आ गया? ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। अब यही फॉर्मूला जो होता है ना, बच्चे लोग हमेशा रट्टा मारते हैं, आज याद करके कल भूल जाएंगे, बट आपको भूलना नहीं है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन बोल देंगे, बोलेंगे बताओ मुझे यूनिट वेक्टर कितना होगा, कोई भी क्वेश्चन दिए, क्या करना है? वो वेक्टर जैसा है ऊपर लिखा रहेगा, उसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल कर डिवाइड कर देना। 2-3 क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करो, पहले कॉपी कर। यूनिट वेक्टर फॉर 8i कैप माइनस 6j कैप, देख लो कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि मान लो ये आपका ए वेक्टर, क्या आपका है? ए वेक्टर। तो मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ये हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना की मैंने 8i कैप माइनस 6j कैप अपॉन मॉडुलस, कैसे निकालते हैं? रूट ओवर आई कैप का स्क्वायर एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दिस बिकम्स 8i कैप माइनस 6j कैप रूट अंडर 100, दैट इज इक्वल टू 8i कैप माइनस 6j कैप, और रूट अंडर 100 का 10 होता है, दैट इज इक्वल टू 8/10i कैप माइनस 6/10j कैप। मतलब कहने का ये हुआ कि वो पर्सन आई कैप और जी कैप में 0.8 0.6 के यूनिट चल रहा हो,
समझे, तब जाके वो डायरेक्टली वहां पहुंच पाएगा, सकते हो ना। तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर यूनिट पार्ट पता चल जाए तो पूरा वेक्टर पता चल जाएगा हमको। इससे केमिस्ट्री में जब भी निकालते पहले क्या निकालते, यूनिट ही निकालते हैं, मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या निकालते पहले उसका, यूनिट निकालते हो, फिर बाद में कुछ और निकालते। देखो नेक्स्ट आपका है हेडिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना, रिजॉल्विंग द कॉम्पोनेंट। कैसा अनमोल को बनाया, कैसा अनमोल है, बढ़िया ना, सीख लो तुम लोग ही 50 न्यूटन। ठीक है, और मान लो इसको ऊपर भी खींच रहा है कोई, हाँ इतने जैसा, ये 20 न्यूटन से, कितने से, ये 20 न्यूटन की है, ये मान लो सरफेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नेट ब्लॉक में, इस ब्लॉक में कितना नेट फोर्स लग रहा होगा। तो दो बातें क्लियर कर लेते हैं हम लोग, कि अगर कोई फोर्स आपका एक्स और वाई में लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बोला कि एक्स में 20 न्यूटन है कोई दिक्कत नहीं है, वाई में 40 न्यूटन कोई दिक्कत नहीं, मतलब एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे हो या एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे हो तो उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली एड सब्ट्रैक्ट करना है। 20 न्यूटन आगे और 10 न्यूटन पीछे, तो नेक्स्ट नेट न्यूटन कितना हो जाएगा, 10। अरे आगे जा रहा है पीछे 10 है, कितना नेट कितना आगे एक्स में, 10, और ये 40 ऊपर जा रहा है, मान लो 40 नीचे जा रहा है, नेट कितना हो जाएगा, 0। तो एग्जैक्टली एक्स में हो या एग्जैक्टली वाई में हो तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। ठीक है, सेम डायरेक्शन को ऐड कर लेंगे और ऑपोजिट को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर मान लो कोई भी फोर्स, कोई भी वैल्यू, कोई भी मैग्नीट्यूड आपका ना एक्स पे हो ना वाई पे, बीच में गई हो, ठीक, क्या करना हो, बीच में हो, एग्जैक्टली एक्स पे नहीं है, एग्जैक्टली वाई पे नहीं है, तो आप स्टार्ट क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट को रिजोल्व करना। कॉम्पोनेंट रिजोल्व कब करेंगे ये कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोनेंट रिजोल्व तब करना है जब कोई भी यूनिट, कोई भी वैल्यू, कोई भी फोर्स, कोई भी रिजल्टेंट आपका किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, कहाँ पे हो, एंगल की पे हो, लेकिन एक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, वाई में है तब भी कोई दिक्कत, क्या कर लेंगे, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, मतलब रिजॉल्विंग कब स्टार्ट करेंगे, जब वो किसी एंगल पे लाई कर रहा हो, चमकाना। बोलो डाउट किसी को, देखो जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ एंगल फिक्स है मेरे ख्याल से, कोई याद ही होगा, 37 डिग्री, 53 डिग्री याद तो होना चाहिए आपको, नहीं याद आता देख लो दोबारा से, रट्टा ही मार लो, क्योंकि तो पूरा रिविजन ही करवा रहे अच्छे से। देखो 37 डिग्री होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये कितना होता है फिक्स है 90, तो पूरा ट्रायंगल का समेशन कितना 180, ये 90 है, ये 37 है, पूरा 180 होना चाहिए, कितना होना चाहिए इसको, 53 होना ही चाहिए, है ना। 37 में स्टार्ट 3 से हुआ ना, तो 37 के सामने 3 कर देना, फिर इसको 4 कर देना, अब मुझे पता सबसे लॉन्गेस्ट आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये 5 ही होगा, क्लियर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब 3/5। अब ये वैल्यू ना कभी भी आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछ ले, रात को 2 बजे पूछ ले तभी याद होना चाहिए। ठीक है, द सेम वे साइन 53 कितना हो जाएगा, अब वैल्यू आपको बस याद होना चाहिए कितना, 4/5, और कॉस 37 कितना हो जाएगा, 3/5, टैन 37 3/4, टैन 53 4/3, मतलब कि पी बाई एच, एच बाई पी, यही अप्लाई किया क्लास 10th लेवल का, साइन 37 पी बाई एच, साइन 53 पी बाई एच, कॉस 37 बी बाई एच, कॉस 53 बी बाई एच, टैन 37 3/4, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको आंसर याद होना चाहिए कंप्लीटली इसका। ठीक है, दूसरा पार्ट, अगर मैंने बोला कि रिजॉल्विंग द कॉम्पोनेंट कब करना है, जब वो ना एक्स पे हो ना वो वाई पे, कहा कहीं बीच में हो, कहीं भी बीच में हो, एग्जैक्टली बीच में जरूरी नहीं, कहीं भी हो, मान लो ये कॉम्पोनेंट आपका फोर्स है, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन, कितना फोर्स आपका है, और मैंने बोला ये एंगल 37 डिग्री पे है, कितने पे है,
ठीक है, चमका यहां पे पहला चीज। तो मैंने बोला कि अगर वो एक्स पे डायरेक्टली होता तो कोई दिक्कत नहीं था, वाई पे होता तभी कोई दिक्कत। दिक्कत कहां थी? वो बीच में होगा। तो जब भी बीच में होगा क्या करना, आज के बाद से उसी कंपोनेंट को एक बार एक्स में रिजोल्व करो और उसी कंपोनेंट को एक बार वाई में रिजोल्व करो। मतलब कहने का रिजोल्व एक्स और वाई में तब करेंगे जब वो बीच में कहीं होगा, कहीं भी। अगर मान लो मैंने बोला 40 न्यूटन यहां लग रहा था तो इसी कंपोनेंट को एक बार एक्स में एक बार वाई में, अगर मान लो 10 न्यूटन यहां लग रहा था इसी को एक बार फिर से वाई में, और फिर से हमेशा याद रखना कि जब भी बीच में होगा तो कॉम्पोनेंट रिजोल्व करना ही करना है। और कॉम्पोनेंट रिजोल्व करने का मतलब होता है आपका एक्स एंड वाई दोनों में करना है, एक जगह नहीं करना है, हमेशा कहाँ करना है, हम दिमाग में फिक्स कर लो आज के बाद से। कॉम्पोनेंट रिजोल्यूशन में अगर बीच में कहीं भी दिख गया, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमेशा वैल्यू क्या करना है आपको, एक्स एंड वाई में रिजोल्व करना है, ठीक है ना। अब देख लो कैसे। तो मैंने बोला वही सेम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं आपको हम। 20 न्यूटन का फोर्स था, 37 डिग्री पे था, इतना पता चल गया ना। इसी को एक्स में करना है और इसी को वाई में करना है। तो मैंने बोला एक्स का वैल्यू क्या होगा, सुनो डायरेक्टली सुनो। ये कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बना रहा हो, बताओ एंगल किसके साथ बन रहा है अभी, एक्स के साथ। जिसके साथ एंगल अटैच हो, ठीक है ना, वहां देना कॉस एंगल के साथ, वहां कॉस कंपोनेंट आएगा विद एंगल जितना भी लिखा हो। और जिसके साथ अटैच नहीं, वहां पे आ जाएगा साइन के साथ सेम एंगल, साइन के साथ, ठीक है। अब बीच वाला पोर्शन जो आपका वैल्यू होगा ना, जो भी होगा आर पी जो भी लिखा होगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। दिस बिकम्स सिक्स, दिस बिकम्स वाई। क्लियर आया बस समझ में? तो वैल्यू सॉल्व भी कर लो, अभी तो लिखवाए कॉस 37 होता है 4/5, ये कट गया तो बोलेंगे 16 न्यूटन का फोर्स एक्स में लग रहा होगा। अच्छे समझना, 16 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, एक्स में लग रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे 20 × 3/5, ये 12 न्यूटन का फोर्स वाई में लग रहा होगा। अगर तुम इस 20 न्यूटन को एक्स और वाई में रिजॉल्व करोगे तो 16 न्यूटन कहाँ लग रहा है आपका, एक्स में, अब 12 न्यूटन कहाँ लग रहा है आपका, वाई में, चमका। और ये वैल्यू एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बात समझना। ये वैल्यू कहाँ पर आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में कैसा होता है क्वाड्रेंट, दोनों वैल्यू पॉजिटिव एंड, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, बात समझना। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 16i कैप + 12j। अब फिर आया एक्स में कितना है 16i कैप, वाई में कितना है 12j कैप। क्लियर? अच्छा मान लो अगर मैंने बोला होता, या इसी क्वेश्चन में देख लो, बताओ दो अगर 37 डिग्री यहां पे, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा तो काम कीजिए ना, आप यहां कर लो अटैच 53 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है हमेशा 90 डिग्री। इफ दिस इज 37, दिस इज, अब एंगल कहाँ अटैच हो गया, वाई के साथ कहाँ अटैच हो गया। तो मैंने बोला जिसके साथ एंगल अटैच होगा दैट विल कम कॉस, एंगल कितना 53 डिग्री। अब 53 तो वाई के साथ अटैच है, एक्स अटैच नहीं है, तो एक्स में कितना हो जाएगा, बोलेंगे साइन 53। बोलो कोई दिक्कत, ठीक, बोले जो कॉम्पोनेंट हमने बीच में है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, चेक करना अच्छे से। यहां क्या लिखा था पहले, साइन 37, अब कितना आ गया देखो, चेक करो तो हाँ, क्या साइन 37 का जो आंसर है क्या वही कॉस 53 का आंसर है? हाँ, ये भी 3/5 और ये भी, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा इन द सेम वे। यहां चेक करो, कॉस 37 और साइन 53, देखो तो कॉस 37 का जो आंसर है वही आपका साइन 53 का आंसर है, तो फिर से वैल्यू चेंज। तो कोई भी एंगल लो फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल ऑलवेज सेम, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चमका। चलो अब आपको वेक्टर लिख के दिखाना है, ठीक है। 10 न्यूटन कितना है और 30 डिग्री वाई के साथ, रिजॉल्विंग द कॉम्पोनेंट कितना ही था ना, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 10 × 1/2 हो गया ये वाला, ये हो गया 10 × √3/2, 5√3, और ये 5 हो गया। बट दोनों आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और थर्ड में एक्स और वाई क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका x = −5i कैप और y = −5√3j कैप, ठीक है। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा आपका 5i कैप − 5√3j कैप, और दोनों नेगेटिव है, दोनों कैसे आपका है नेगेटिव, ये आपका आंसर हो गया।
डाउट है किसी को? डाउट है पक्का?